हाय फ्रेंड, मैं हूँ मोहम्मद इलियास। आप देख रहे हैं साइन फैशन। दोस्तों, आज हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के बारे में बताने वाले हैं, इसकी कटिंग जो आप वीडियो में देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाकर इसको प्रेस लगा लिए हैं, उसके बाद स्केल पट्टी की मदद से इसको निशान, सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद में अपनी लंबाई नापेंगे, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों तरफ की मार्जिन के लिए। हमें शोल्डर का निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद में हम अपने आर्मोल डाउन का निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद में अपना शोल्डर नापेंगे, जैसे कि हमारा ये बूटने गला है तो उसमें हमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है, जितना है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। देखिए, जैसे कि हमारा चेस्ट है 33 अपर चेस्ट, उसके हिसाब से हमने निशान लगाया हुआ है। इस तरीके से हम साइड मार्जिन छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आर्मोल का ये ले लेना है। उसके बाद में हमें इसका जो है बैग, क्रॉस बैग रखना है, क्योंकि ये हमारा ब्रोटनेक है, पीछे ग्लव ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम आधा इंच तकरीबन अंदर ले लिए हैं। उसका एक फार्मूला है, वो फिर हम अभी बाद में बताएंगे किस तरीके से क्या है उसका। देखिए, जैसे कि हमने अपने गले की चौड़ाई ले ली है 8 इंच, इस तरीके से फिर आधा इंच हमने डाउन कर दिया है। उसके बाद में अपना आर्म होल नाप लेंगे कि बराबर है कि नहीं, और पीछे का गला 3 इंची डाउन करेंगे इस तरीके से। निशान लगा के इसकी गोलाई दे देंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद में हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग के बराबर इस तरीके से। बैक कट कर लेंगे, डबल फोल्ड करके हम बैक डार्ट का निशान लगा देंगे, फिर आधा इंच यहाँ से छांट देंगे ताकि हमारा डार्ट लगने के बाद सीधा आए। उसके बाद में हम स्केल पट्टी की मदद से कपड़े पर सीधा निशान लगा लेंगे, फिर अपने बैग को रखेंगे इसके ऊपर, फिर इसको ड्राइंग कर लेंगे इसके बराबर इस तरीके से। इसका निशान उठा लेंगे। निशान उठाने के बाद में हम इसको फ्रंट को हटा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में हम स्केल पट्टी की मदद से निशानों को सीधा करेंगे इस तरीके से। आर्म होल का अंदर का डाउन कर दिया आधा इंच, ये देखिए। उसके बाद में हम फ्रंट गले का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में गले की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद में हम नीचे 1 इंच बढ़ा दिए हैं फ्रंट से, ताकि ये जब प्रिंसेस लगता है तो ये उठता है तो बराबर आ जाता है। ये देखिए, जैसे कि हमारा 32 इंच अपर चेस्ट था, उसके हिसाब से हमने निशान लगाया है 10वां हिस्सा इस तरीके से। फिर हम अपना इसकी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। फिर इसमें हम 2 इंच का डार्ट के लिए जगह रखे हैं प्रिंसेस में, क्योंकि ये बहुत छोटा साइज का ब्लाउज है। 31 इंच इसका अपर चेस्ट है और 32 इंच फुल बस्ट है, तो उस हिसाब से हमने 2 इंच पे यहाँ पे रखा है। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे एकदम मार्किंग के बराबर इस तरीके से, देखिए। उसके बाद में हम प्रिंसेस की कटिंग करेंगे इस तरीके से, बीच में चटका लगा देंगे। इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, चटका लगा दिए। फिर हम मिला के देख लेंगे कि हमारा जोड़ने के बाद कहाँ पे बराबर आएगा, कितना कम ज़्यादा है। उसके बाद में हम इसकी आर्मोल की गुलाई देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से पहले हमने निशान लगा रखा था, पर हमने मिला के देख लेना चाहिए एक बार कि बराबर है कि नहीं। देखिए, उसके बाद में सेम दूसरा भी अस्तर काट लेंगे, क्योंकि इसमें हमें पैड लगाना है, फ्रंट में डबल अस्तर जाएगा इस तरीके से। इसको काट लेना है, उसी को रख के बराबर। उसके बाद में हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरीके से काट लेना है अस्तर को, बीच में छटका भी लगा देना है।
हाँ, अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड करके एक सीधा निशान लगाएं, उसके बाद में लंबाई का निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद में हम अपना 3.5 इंच का इसका डाउन करेंगे, 3.5-4 अगर लंबी स्लीव है तो चलेगा। उसके बाद में हम इस तरीके से अपना आर्म होल नाप लेंगे, फिर अपना मोहरी का निशान लगाएंगे बॉटम का, उसके बाद में बाइसेप का निशान लगाएंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप 3 निशान ले लें कभी भी। तो इसके बाद में शेविंग पट्टी रख के हम इसका शेप दे देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, उसमें साइड मार्जिन भी छोड़ दिए हैं 1 इंच से ज़्यादा, 1.5 इंच। उसके बाद में अपना आर्म होल चेक कर लेंगे तो हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे एकदम बराबर। उसके बाद में हमको मेन फैब्रिक पर रख के उसी के बराबर कटिंग कर लेना है एकदम बराबर, इस तरीके से रख के आपको कटिंग कर लेना है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।